हाँ जी भी मित्रों, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मशीनरी महकमा। अज का ब्लॉग होने लग गया जॉन डियर के उत्ते। बहुत ही स्पैशल ट्रैक्टर 4x4 5405 के उपर देख सकते हो तुसी। अगर यदि फ्रंट प्रोफाइल की गल करिए आपां, इस तरह का ये वन पीस हुड आता है। अगर हैडलैम्प की गल कर लें आपां तां LED हैडलैम्प का सैटअप विद क्रोम इंस्टॉल मिलता है। ये जॉन डियर की थोड़ी बैजिंग देखने मिल जूगी, नाल दी नाल थोनू इत्थे ब्लैकिश यदि ग्रिल देखने मिल जूगी, जो काफ़ी ये लुक नू एनहेंस करती है। देख सकते हो तुसी काफ़ी ताकड़ते दमदार ट्रैक्टर लगता है। वैबल गेयर हिस्सा ये आता है जो कि काफ़ी मजबूती प्रोवाइड करता है। 4x4 ट्रैक्टर है, देख सकते हो तुसी। अगर आप गल कर लिए ये इंजन स्पैसीफिकेशन बारे, तो इंजन स्पैसीफिकेशन ये दिखा दें थानू। देख सकते हो तुसी बैटरी की प्लेसमेंट इतने देखने मिल जूगी, नाल दी नाल अपना इंटरकूलर की प्लेसमेंट देखने तुहानू इत्थे मिलेगी, जो कि ये तेल नू ठंडा रखता। अगर आप गल कर लिए इहदी फैन मोटर बारे, तो इत्थे तुहानू गार्ड दिता गया जो कि अगर हाथ वगैरह अंदर ना जा सके। इत्थे डीजल फिल्टर की प्लेसमेंट देखने तुहानू मिल जूगी, इत्थे मगलैल फिल्टर की प्लेसमेंट देखने मिल जूगी। EGR सिस्टम ये प्रोवाइड किया गया, CRDI 5405 की आप गल कर रहे हैं। देख सकते हो तुसी इत्थे पंप की प्लेसमेंट देखने तुहानू मिल जूगी। अगर आप गल करिए इत्थे तुहानू पंप देखने मिल जूगा, तेल कई बार घट जाता ट्रैक्टर च, तो इत्थों पंप करके तुसी इहनू ओके कर सकते हो। नाल दी नाल ही डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देखने तुहानू मिल जूगा। अगर आप टायर प्रोफाइल की गल करते हैं, तो ये 11, 2, 24 के अगले टायर और पिछले टायर ये देखने तुहानू 16, 9, 30 के पिछले टायर देखने मिल जाएंगे। अगर आप दूजी साइड वाले हिस्से की गल कर लें, तो ये तुहानू देखने मिल जाऊगा जिमें कि इत्थे पावर स्टेयरिंग का ऑयल देखने मिल जूगा जो अलग तो दिता जाता है, तो आ ट्रांसमिशन का ऑयल देखने मिल जूगा। अगर आप गल करिए लिफ्ट के ऑयल की, तो इतों लिफ्ट का फिल्टर देखने तुहानू मिल जूगा, जो कि काफ़ी अच्छी गल है। तो ट्रैक्टर के थले प्लेसमेंट की गई है यदि, देख सकते हो तुसी। इत्थे हीट गार्ड लगाए हैं कंपनी वालों, काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आप जी तो काम करते हैं खेत के, तो काफ़ी हीट आपू आ है। पिछे जो हीट गार्ड ये प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप गल कर लिए ट्रैक्टर के टर्बो बारे, तो टर्बो ये देख सकते हो तुसी, ये टर्बो की प्लेसमेंट देख सकते हो तुसी। 2900 CC का ये 2100 रेटिड RPM इंजन आता, जो देख सकते हो तुसी। पावर टैक गेयर प्रो की ये बैजिंग मिल जाती है तुहानू, और नाल ही 25 साल इन इंडिया सैलीब्रेटिंग का लोगो मिल जाता इत्थे। अगर आप गल करिए इंटरकूलर की, तो जिमें काफ़ी लंबे समय तक काम करते हो तुसी ट्रैक्टर नाल, तो किसी भी तरह की तुहानू कोई दिक्कत नहीं आती। नाल दी नाल ही ये तेल नू ठंडा करता रहिंदा, देख सकते हो। एक छोटा इंटरकूलर भी इत्थे दिता गया जो काफ़ी यूजफुल है। एयर क्लीनर की अगर गल करिए, स्वराज दे विच साइड ते एयर क्लीनर दिता गया, ये अपना बोनट दे विच ही प्लेसमेंट एयर देखने मिल जूगी एयर क्लीनर की। तुहानू इस तरह का वन पीस चा हुड दिता गया, जो तुसी अपना आसानी नाल कल्ला बंदा भी इहनू चक सकदा, तो कुछ भी इहदा काम कर सकते हो तुसी। अगर आप गल करिए प्लेटफॉर्म की, तो ऐसा देखने तो प्लेटफॉर्म मिल जूगा, जो ये ग्रैब हैंडल भी देखने मिल जूगा, जो इतने पैर रख सकते हो तुसी, तो ट्रैक्टर के उपर चढ़ सकते हो। अगर आप मीटर की गल कर लें, तो ट्रैक्टर च दिखा दें थोनू इस टाइप का मीटर देखने मिल जूगा, जो डिजिटल प्लस क्लासिकल लुक तुहानू प्रोवाइड करता। 12 वोल्ट का इतने चार्जर देखने मिल जूगा, नाल दी नाल इत्थे बंद करन दे ऑप्शन इहनू देखण नू मिल जाणगे। अगर आप गल करिए अगर तुसी जोर दा काम नहीं लै रहे दे, तो इत्थे तुसी इको मोड च भी इहनू चला सकदे हो, जो थोड़ी फ्यूल इकोनोमी नू काफ़ी अच्छी बनाउंदा। और अगर रेस दी गल कर लिए, तो रेस दा इत्थे दिता गया तुहानू शिफ्टर, इहदे हैडलाइट कंट्रोल कारां वर्गे आ, तुसी इहनू इत्थों हैडलाइट कंट्रोल कर सकदे हो। इहदे विच तुहानू
12 प्लस 4 का गेयरबॉक्स दिता गया, देख सकते हो। अगर आप गल कर लिए ए बी सिस्टम, ए बी सी डी सिस्टम ये दिता गया, जिमें हाई लो मीडियम का सिस्टम दिता होंगे। नाल दी नाल ही तुहानू डबल ब्रेक तेल च डुबे हुए ब्रेक ये देखने को मिल जाएंगे, जो इस ट्रैक्टर बारे बहुत छोटी गल है। जॉन डीयर के किसी भी ट्रैक्टर से तुहानू तेल च डुबे हुए ब्रेक ही देखने को मिलेंगे। नाल दी नाल डूअल क्लच इत्थे ट्रैक्टर तो तुहानू देखने को मिल जूगा। अगर आप गल करिए रेस की, तो हाथ वाली रेस इत्थे दित्ती गई है, तो पैर वाली रेस इत्थे दित्ती गई है, वधिया गल है। अगर आप गल करिए पोजिशन लीवर तो ड्राफ्ट लीवर की, देख सकते हो तुसी इत्थे कुछ प्लेसमेंट दित्ती गई है, जो तुसी आपदे हिसाब नाल इहनू एडजस्ट कर सकते हो। अगर इहदे टैंक की आप गल कर लैंदे आ, तां इहदी टैंकी स्वराज की जिवें इत्थे अगे शो ते ना दे के ते पिछे फाइबर की टैंकी दित्ती गई है, जो कि मतलब तेल इहदे च गर्म नहीं हुंदा। कई बारी मतलब तेल नूं ठंडा रखे तां ही इहदे च फाइबर की टैंकी इत्थे दित्ती गई है, देख सकते हो। तुसी इत्थों सीट नूं कंट्रोल करन दे तुहानूं लीवर दित्ते गए है। नाल दी नाल ही अगर आप गल करिए पीटीओ दी, तां पीटीओ दे ऑप्शन देखने नूं तुहानूं इत्थे मिल जाणगे, 540 ते इकनोमी पीटीओ, इत्थों तुसी इहनूं पीटीओ नूं फ्री कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी गल है। अगर जॉन डीयर की गल करिए आपां, तां मरगाड़ जॉन डीयर दे शुरू तो स्पैशलिटी है कि जॉन डीयर तुहानूं काफ़ी अच्छे मरगाड़ ही दिंदी है, क्योंकि हुण स्वराज ने भी मरगाड़ काफ़ी अच्छे देने शुरू करते, पर जॉन डीयर शुरू तो ही तुहानूं काफ़ी अच्छे मजबूत मरगाड़ ऑफर करता। जॉन डीयर की यह स्पैशलिटी है। अगर आप गल करिए इत्थों तुसीं इहदा टिल्ट ते टैलीस्कोपिक इहदा स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी गल है। ड्राइवर नूं काफ़ी सहूलियत प्रदान की गई है इस ट्रैक्टर के, इत्थे तुहानूं एडजस्टेबल मिरर देखने मिल जूगा इहदा, जो बहुत अच्छी गल है ट्रैक्टर के। अगर जे आपां इहदे च बोटल होल्डर का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इत्थे बोटल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। 4x4 इत्थों अंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं, आप देख सकते हो तुसीं काफ़ी हैवी ते काफ़ी शो वाले मरगाड़ इहदे च जॉन डीयर कंपनी शुरू तो ही यूज़ करती आई है, जो स्वराज वर्गियां कंपनियां ने हुण देने शुरू किए हैं। 16x9x30 का पिछला टायर दिता गया, जो देख सकते हो तुसीं सैगमेंट के हिसाब नाल काफ़ी वड्डा टायर है। इंजन स्पेसिफिकेशन की आप गल कर चुके हैं। अगर आप बैक हिस्से की गल करिए 2500 किलो की इहदी लिफ्ट कपैसिटी है। रिवर्स पीटीओ तुहानू ये मिल जाता, डबल ऑक्सिलरी वाल मिल जाती है तुहानू, जो काफ़ी अच्छी गल है। अगर तुसी इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई भी चलाना चाहते हो ट्राली वगैरह च, तो इत्थों तुसी लाइट की सप्लाई लै सकते हो, देख सकते हो तुसी। और अगर आप गल करिए इत्थे अगर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी गई है, तुसी नंबर प्लेट इत्थे लाओगे तो इत्थे तुसी लाइट भी तुहानू नाल दी नाल कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर जे आप रात नू कोई भी काम कर रहे हैं, तां ये जो लाइट है ये काफ़ी यूजफुल साबित होंदी है। टूल बॉक्स की गल कर लैंदे आ, टूल बॉक्स इहदा इत्थे दिता गया, और कुछ भी टूल इहदे च तुसी रख सकते हो, जो काफ़ी अच्छी यूजफुल जगह पर दिता गया। काफ़ी मतलब ट्रैक्टरां च इस साइड दिता जांदा वह यूज चाहुंदा नहीं, इत्थे तुसी इहनू लॉक भी कर सकते हो, ऑप्शन दिता गया, काफ़ी इहदे च समान आपदा रख सकते हो, देख सकते हो। 57 HP की इहदी जो अपना इहदी PTO है वह दिती गई है, जो अपना सैगमेंट के हिसाब नाल काफ़ी अच्छी है। किसी भी ट्रैक्टर च अजे तक इंडिया च काफ़ी घट ट्रैक्टर है जिन्हां च यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी। अगर आप गल करिए जो बैक हिस्सा है, इहदा बैक हिस्सा काफ़ी मजबूत कंपनी इहदा शुरुआत तो ही दे रही है, और काफ़ी मजबूती तुहानू प्रोवाइड करता है, देख सकते हो तुसी। अगर आप गल कर लैंदे आ ट्रैक्टर की साइड लुक की, तो इस टाइप की तुहानू साइड लुक देखने नू मिल जूगी। इहदे विच तुहानू जिवें मैं पहला ही दस चुके हैं कि इहदे च अपना जो है पावर स्टेयरिंग का तेल वक्खरा है, तो अपना ट्रांसमिशन का तेल सारे तेल वक्खरे वक्खरे है, जिवें कि फिल्टर इहदे च यूज़ किए गए हैं लिफ्ट वगैरह के वह भी। और अगर 4x4 की आप गल कर लैंदे आ, 4x4 वाली जिहड़ी रोड है वह इत्थे दित्ती गई है। अगर तुसी 4x4 अंगेज या डिसंगेज करते हो, तो यह भी अपना घूमना स्टार्ट कर दिंदी है, जो
काफ़ी मतलब कि जिमें 63 HP का ट्रैक्टर है, अगर 4x4 ला के तुसी इहनू चलाउणे हो तो 75 HP के ट्रैक्टर नू भी जो 4x4 नहीं है तो उन्हूं भी पिछे छड्डूगा ट्रैक्टर। अगर आपां गल कर लईए अल्टरनेटर की प्लेसमेंट देखण नू इत्थे मिल जूगी तुहानू, और फ्यूज वगैरह जो भी उड़दा कंपनी ने एक साइड ते तुहानू फ्यूज वगैरह दित्ते आ, इत्थों तुसी इहदे फ्यूज वगैरह पा सकदे हो। अगर रात नू तुसी कोई काम कर रहे हो तो अगर फ्यूज उड जांदा तां इत्थे पा सकदे हो। अगर इहदी सीट की गल करिए एडजस्टेबल सीट देखण नू तुहानू मिल जूगी जो काफ़ी अच्छी गल है। अगर आपां गल करिए इत्थों तुसी इहनू चाबी ला के ओपरेट कर सकते हो ट्रैक्टर नू, ओवरऑल फीचर मेरे हिसाब नाल कवर हो चुके हैं। इत्थों तुसी इहदा इंजन ऑयल है जो वो चेंज कर सकते हो, इत्थे थले नट हुंदा उहनू खोल के ACCRDI 5405 जो लंबे समय तक किसी भी काम नू कर सकता, क्योंकि 63 HP का ट्रैक्टर है, 4x4 है। अगर 75 HP का ट्रैक्टर आऊगा बिना 4x4 तो उहदा मुकाबला है बड़े आराम नाल कर सकता। जॉन डियर दे इंजन जदों भी तुसी कदे देखोगे तो जॉन डियर ट्रैक्टर दे इंजन तुहानू खुले हुए नहीं मिलणगे। इन्हां दी स्पैशलिटी ये है कि ये लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि इहदे च इंटरकूलर दिता हुंदा ते नाल दी नाल ही वो ठंडा करता रहिंदा जो अपना गर्म हुंदा इंजन, तो काफ़ी लंबे समय तक ये इंजन चल सकते हैं। अगर गल करिए ओवरऑल फीचर ये 5405 CRDI दे कवर हो चुके हैं, किवें दा लग्या मित्रों ब्लॉग तुहानू कमेंट करके सानू जरूर दसना। एक एक लाइक साडे वास्ते बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, थोड़ा लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो, होर दोस्तों तो भी कराए सबसक्राइब बहुत घट किए हुए हैं लोगों ने, प्लीज़ दोस्तों राइज करो चैनल नू, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया ब्लॉग देखने वास्ते, धन्यवाद। ये ओवरऑल लुक है ट्रैक्टर की।